अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में कई तरह के मैमल्स पाए जाते हैं, पर इनमें से कोई भी इस कॉन्टिनेंट के 5 सफारी सुपरस्टार्स जितना मशहूर नहीं है। लायन, राइनोसरस, लेपर्ड, बफलो और एलिफेंट, इन्हीं को दुनिया फेमस बिग 5 के नाम से जानती है। पर जंगल में इतने बड़े साइज का होना आसान काम नहीं है। अफ्रीका के हर वक्त बदलते इकोसिस्टम में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, और सर्वाइव करने के लिए बिग 5 को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। किसी मेल लायन को देखकर हमें जो डर लगता है, ऐसा बहुत कम एनिमल्स को देखकर होता है। उसकी कॉन्फिडेंट येलो आईज, ह्यूज हेड और लश गोल्डन मेन को देखकर उसके लिए रेस्पेक्ट बन जाती है। अफ्रीका के कार्निवोर्स में ये सबसे पावरफुल और ब्यूटीफुल है, और इसीलिए ये हैरान करने वाली बात है कि इतने शानदार जीव का शिकार भी होता है। अफ्रीका आने वाले कॉलोनियल हंटर्स लायन का पीछा करना और उनके शिकार करने को बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते थे, और उसके साथ कॉन्टिनेंट के दूसरे 4 सबसे पावरफुल और इंप्रेसिव एनिमल्स के शिकार करने को भी। धीरे धीरे ये ग्रुप बिग 5 के नाम से जाना जाने लगा। हंटर्स इनमें से हर एक एनिमल को डेंजरस दुश्मन मानते थे, क्योंकि इन 5 में से कोई भी किसी कैलेस हंटर को आसानी से मार सकता था। मॉडर्न टाइम्स में ट्रॉफी के लिए शिकार करना इतना पिलर नहीं रहा, और इनमें से कई मजेस्टिक एनिमल्स अफ्रीका के आसपास बने प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ पार्क्स और रिजर्व्स में रहते हैं। पर इनके सामने अब भी नेचुरल वर्ल्ड के हार्श चैलेंजेस खड़े हैं, जहां इनके जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। हर एनिमल को जिंदा रहने के लिए अपने यूनिक साइज, स्ट्रेंथ, स्टेल्थ और मिलकर काम करने की पावर पर डिपेंड करना पड़ता है। लायंस अफ्रीका की सबसे बड़ी कैट्स में से एक है। लायंस अपने शोल्डर से करीब 4 फुट लंबे होते हैं, और इनका वजन तकरीबन 200 किलोग्राम होता है। लायनेसेस छोटी होती हैं, उनका वजन करीब 130 किलो होता है। देखा जाए तो यही मिलजुल कर रहने वाली बिग कैट्स हैं, और ऐसे ग्रुप्स को ट्राइड्स कहते हैं। ग्रुप बनाकर शिकार करने की इनकी एबिलिटी से इन्हें बहुत फायदा मिलता है, और ये अपने से डबल साइज का शिकार भी कर लेते हैं। वेट के हिसाब से देखा जाए तो लायंस सवाना में हुए 65% शिकार के लिए जिम्मेदार होते हैं, और ये लायंस स्पेशलाइज करते हैं उस एनिमल को मारने में जिसका नाम बिग 5 में शामिल है। बफलो को टारगेट बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि शिकारियों से लड़ने के लिए इन विशाल हर्बीवोर्स के पास एक खास हथियार होता है, और वो है ग्रुप की पावर। इस तरह के ग्रुप्स में ज्यादातर फीमेल्स और उनके बच्चे होते हैं, और एक ग्रुप में सैकड़ों मेंबर्स हो सकते हैं। पर जब ग्रुप इतना बड़ा हो तो जरूरत होती है उसे सही तरह से ऑर्गेनाइज करने की। बफलो के ग्रुप का एक सोचा समझा सिस्टम होता है, जिसमें वो छोटी फैमिली यूनिट्स में साथ रहते हैं। इस माँ ने अपने पहले बच्चे को 5 साल की उम्र में जन्म दिया था।
सबसे छोटा बच्चा 7 महीने के बाद माँ का दूध पीना बंद कर देगा और तब से अपनी माँ की तरह ग्रास पर जिंदा रहेगा। अगर कंडीशन ठीक रही तो माँ हर 15 महीनों में एक बच्चे को जन्म देगी। सारी बफलोज की तरह ये भी ग्रुप में मौजूद अपने रिलेटिव से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। पर अगर मेल बुल को अपने लिए साथी ढूंढना है तो उसे और दूर तलाश करना होगा। ब्रीड करने से पहले इन्हें ग्रुप में टॉप तक पहुंचने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। इसका मतलब दूसरे बुल से टक्कर का मुकाबला। सौ किलो के दो बुल्स एक दूसरे से उतनी ताकत से टकराते हैं जितनी कोई कार 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती हुई किसी दीवार से टकराती है। अपने ब्रेन को बचाने के लिए और टक्कर से बचने के लिए मेल्स के सर पर सींगों का हेलमेट होता है जिसे बॉस कहते हैं। बाप बनने लायक होने के लिए बफलो को ग्रुप में उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है जहां पहुंचने में उसे 8 साल लग जाते हैं। इन विशाल ग्रुप्स में ताकत होने के भी अपने ही फायदे हैं। सबसे ज्यादा ताकत रखने वाले बफलो ग्रुप के बीच में और सबसे आगे खड़े रहते हैं ताकि बेस्ट फूड तक सबसे पहले वो पहुंच पाए और इस तरह उनके शिकार बनने के चांसेस भी सबसे कम हो जाते हैं। पर सारे बफलोज को ग्रुप की सेफ्टी पसंद नहीं आती। जब बुल्स की उम्र ज्यादा हो जाती है और वो फाइट नहीं करते तब वो ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं। अकेले वो आसानी से शेर का शिकार बन सकते हैं। और इंसान के लिए काफी डेंजरस होते हैं। ओल्ड बुल्स की हंटर्स को अपने पैरों तले रौंदने और मार डालने की कहानियां बहुत फेमस हैं। और शायद इसीलिए इंसान इनसे डरता है और यही वजह है कि बफलो को भी बिग 5 में शामिल किया गया है। राइनो और एलिफेंट के मुकाबले बफलो का वजन 1 टन से कम होता है, यानी ये इतने छोटे होते हैं कि शेर इनका शिकार कर सके। बड़े ग्रुप्स में रहने से एनिमल्स को फायदा होता है और नुकीले सींगों वाले सैकड़ों सरों को देखकर तो लायंस का बड़े से बड़ा ग्रुप भी उल्टे पैर लौट जाता है। इतने बड़े ग्रुप्स में रहने वालों को ना सिर्फ प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन मिलता है बल्कि ये सवाना इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी एक जरूरी रोल अदा करते हैं। बफलो एक साथ बहुत सारी ग्रास खाते हैं। ये अपने आगे के चौड़े इंसाइजर्स से एक साथ बहुत सारी लंबी ग्रास काट भी लेते हैं। जैसे जैसे ये फीड करते जाते हैं नीचे की छोटी न्यूट्रिशियस ग्रास सामने आती जाती है जो राइनो जैसे सिलेक्टिव ग्रेजर्स को पसंद आती है। एक साथ काम करने की और लो क्वालिटी फूड पर जिंदा रहने की एबिलिटी की वजह से बफलो नेचर के चैलेंजेस का सामना कर पाते हैं। इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 5 लाख से 10 लाख की है और बिग 5 में मौजूद एनिमल्स में सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। पर फिर भी बफलोज को केयरफुल तो रहना ही पड़ता है क्योंकि लायंस भी साथ काम करने में एक्सपर्ट हैं और बेशक इस बफलो की शिकार बनने की वजह भी यही रही होगी। मेल लायंस फीमेल लायंस से ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो पहले खाते हैं।
एक बार मेल लायन ने पेट भर कर खा लिया तब बाकी मेंबर्स खा सकते हैं। पूरा प्राइड झाड़ियों के बीच आराम से रहता है। घनी झाड़ियां उन्हें छिपाने का काम बखूबी करती हैं। और ग्रुप के सबसे नए और कमजोर मेंबर्स को प्रोटेक्ट भी करती हैं। यंग लायंस मुश्किल से 6 हफ्ते के हैं और इन्होंने वो डेन अभी अभी छोड़ा है जहां इन्होंने जिंदगी के शुरू के कुछ हफ्ते बिताए थे। खुले में कदम रखने के लिए ये अब भी बहुत छोटे और डेलिकेट हैं। और अभी माँ उन्हें सबकी नजरों से बचा कर रखती है। हालांकि इनके ग्रुप में करीबी रिलेटिव्स ही होते हैं, फिर भी लायन के प्राइड में बदलाव होते रहते हैं। 40 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके के अंदर मेंबर्स आते जाते रहते हैं। पास ही इन बच्चों के बड़े भाइयों ने एक बहुत बड़ा हाथ मारा है। इस लायनेस के 4 भाई बहन और हैं और ये अपना ज्यादातर वक्त अपनी बहन और 3 भाइयों के साथ गुजारती है। 18 महीने के ये लायंस अब पूरी तरह से अपनी देखभाल करने के काबिल हो चुके हैं। साथ काम करके ये काबिल हंटर बन चुके हैं और मिलकर इन्होंने बफलो के बच्चे को मार गिराया है। हो सकता है झाड़ियों के बीच वो दूसरे लायंस और हाइना की नजरों से बच गया हो, पर अफ्रीका के उड़ने वाले सबसे बड़े स्कैवेंजर्स उसकी तरफ खींचे चले आए हैं। लायंस को इन बिन बुलाए मेहमानों का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर दोपहर की तेज गर्मी में वो इसे खा भी नहीं सकते। एक भाई शिकार को वल्चर्स की नजरों से दूर ले जाने की कोशिश में है। पर ये बहुत मेहनत का काम है। अभी के लिए ये गार्ड बनकर यहीं पहरा देगा। लायंस के होते वल्चर्स भूल कर भी यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। यंग लायंस के लिए ये शिकार एक अच्छा सिग्नल है। इसका मतलब इनकी शिकार करने की काबिलियत बढ़ती जा रही है और ग्रुप की सिक्योरिटी और आराम छोड़ने से पहले वो जितनी बढ़ जाए उतना अच्छा है। जल्दी ही मेल्स को अपना खुद का इलाका ढूंढना होगा और ग्रुप बनाना होगा, जिसके लिए उन्हें बड़े लायंस के साथ फेरोशियस बैटल्स करनी होंगी। पर भाइयों को एक फायदा है, ये साथ में ग्रुप छोड़ेंगे और मिलकर ही शिकार करेंगे और दूसरे ग्रुप पर काबू पाने के लिए दूसरे लायन को चैलेंज भी मिलकर ही देंगे। जैसे ही रात होती है टेम्परेचर कम होने लगता है और यंग लायंस अपनी दावत के लिए तैयार हो जाते हैं।
लायन फैमिली में डिनर टाइम काफी शोर शराबे भरा होता है। थोड़ा खाने के बाद ये स्टार्स भरे आसमान के नीचे लेटकर रिलैक्स कर रहे हैं। पर शिकार की स्मेल से कोई इनकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। एक फीमेल लेपर्ड। बिग फाइव की सबसे चालाक कैट कभी कभी दूसरों का बचा खुचा शिकार भी खाती है। पर ये जानती है कि लायन के शिकार को चुराने के नतीजे क्या हो सकते हैं। अगर लायंस ने इसे आसपास देख भी लिया तो वो इसे मार डालेंगे। और वो समझ गई कि यहां से निकल लेने में ही उसकी भलाई है। जब खाने की कोई कमी नहीं रहती तब लायंस पेट भर कर खाते हैं। एक वक्त में मेल 40 किलो तक और फीमेल्स 20 किलो तक मीट खा सकती हैं, जो उनकी रोज की खाने की जरूरत से 5 गुना ज्यादा है। एक सक्सेसफुल प्राइड होने की यही सबसे बड़ी निशानी है। पर सब लकी नहीं होते। साथ मिलजुल कर शिकार करने के बावजूद लायंस के शिकार करने का रेट सिर्फ 30% है। इसका मतलब 70% मौकों पर वो शिकार करने में अनसक्सेसफुल होते हैं और उन्हें खाना नहीं मिलता। और जब खाने की कमी हो या ग्रुप शिकार करने में माहिर ना हो तब भूख बहुत जल्दी स्टार्वेशन में बदल जाती है। इस लायन की रिब्स और हिप बोन्स साफ नजर आ रहे हैं। ये साफ है कि इस यंग प्राइड ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ये नजारा सक्सेसफुल ग्रुप्स के मेंबर्स के फूले पेटों से बिल्कुल अलग है और ये सबूत है कि हालांकि लायंस अफ्रीका के सबसे फेरोशियस किलर्स माने जाते हैं पर किसी भी तरह से उनकी जिंदगी आसान नहीं है। जो लायन जिंदा रहते हैं वो सबसे ताकतवर और काबिल हंटर होते हैं और वो फूड चेन की टॉप पोजीशन पर रहते हैं और यही है जो सवाना के ज्यादातर हर्बीवोर्स का शिकार करते हैं। पर सबका नहीं। ये है अफ्रीका में बचे हुए आखिरी ब्लैक राइनोज में से एक। हो सकता है अपने साइज की वजह से ये लायंस के शिकार ना हो पर इंसान के सामने इन्हें हार माननी ही पड़ती है। इंसानों की पोचिंग से पहले दुनिया में पाई जाने वाली राइनोज की 5 स्पीशीज में सबसे ज्यादा ब्लैक राइनोज ही पाए जाते थे। फिर 1970 में इनकी पॉपुलेशन 65,000 से घटती गई और अब सिर्फ 5,000 राइनोज जिंदा हैं। बड़े मैमल्स के इतिहास में आज तक किसी जानवर की पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं घटी। सारे मेल राइनोज की तरह ये बुल भी अकेले चरना पसंद करता है। ये 200 से ज्यादा तरह के ट्रीज और बुशेज खाता है। इसका प्रीहेंसाइल मुड़ा हुआ होंठ
पत्तियों को खींचकर मुंह में डालता है। इसका शिकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका वजन 1200 किलो है। वजन एक टन से ज्यादा होने की वजह से इसका साइज इतना बड़ा है कि लायंस इसका शिकार नहीं कर सकते। लायन मां के लिए सबसे जरूरी है शिकार करना। इसके दिमाग में एक ही ख्याल है, अपने बच्चों की सेफ्टी और दिन की गर्मी में ठंडा रहना। पर इसके लिए यह आसान नहीं है क्योंकि लायंस को पसीना नहीं आता। स्वेट ग्लैंड्स कम होने की वजह से ये शरीर से हीट कम करने के लिए हांफते रहते हैं। हांफने के अलावा छांव में रहने से ये हीट को कुछ हद तक बेयर कर पाते हैं। पर एक बच्चे की जिद इस हीट में भी कम नहीं हो रही। दूध पीने की जिद। मां की दहाड़ से साफ हो जाता है, अभी नहीं। हीट अब्सॉर्बिंग पर्पल फेदर्स वाले स्टार्लिंग के लिए भी इस हीट को बेयर करना मुश्किल है और ठंडा होने के लिए ये भी हांफता रहता है। जैसे जैसे दोपहर गुजरती है टेम्परेचर कम होता है और लग रहा है कि अब लायनेस का मूड काफी अच्छा है। झाड़ियों के बीच छिपने की जगह पर बैठे बच्चों के पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये भूखे हैं पर कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएंगे। इन्हें खाना इनकी इच्छा के मुताबिक नहीं मिलता। इन्हें पता है कि अगर कुछ होगा मां की मर्जी से होगा। जब वो आराम से अपनी पीठ के बल लेट जाती है तो ये एक तरह से इशारा है कि बच्चे अब दूध पी सकते हैं। सबसे ब्रेव बच्चा दबे कदमों से मां की तरफ बढ़ना शुरू करता है। हां कह दी, दावत का वक्त हो गया। बच्चे 8 महीने के होने तक मां का दूध पिएंगे और तब तक उन्हें अपना पूरा न्यूट्रिशन उससे ही मिलेगा। एक बार लायनेस को यकीन हो जाए कि उसके बच्चों का पेट भर चुका है, वो फिर से उन्हें झाड़ियों के बीच छिपाने ले जाती है। अफ्रीका के सबसे पावरफुल प्रेडेटर्स बनने से पहले इन्हें बहुत कुछ सीखना होगा।
पर बिग फाइव के बच्चों में सिर्फ ये बच्चे ही शामिल नहीं हैं। व्हाइट राइनो का ये बच्चा एक साल से भी कम का है और इसका केराटिन सींग अभी पूरी तरह बना नहीं है। 8 हफ्ते का होने के बाद से ये ग्रास खा रहा है, पर आने वाले कई महीनों तक ये अपनी माँ का दूध पीता रहेगा। राइनो की आईसाइट बहुत कमजोर होती है और इसलिए ये माँ के पास ही रहता है, क्योंकि आसपास मौजूद लायंस या हाइना इसका शिकार कर सकते हैं। माँ की सुरक्षा के साथ ये एक दिन बड़ा सा बुल बन जाएगा, ऐसा बुल जिसका वजन तकरीबन 2200 किलो होगा। पर अभी के लिए तो ये माँ के बाजू में रहकर ही खुश है और ये 2-3 साल तक माँ के पास ही रहेगा, या तब तक जब तक माँ का कोई और बच्चा नहीं हो जाता। व्हाइट राइनोज में माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत मजबूत होता है और ब्लैक राइनोज में तो उससे भी ज्यादा। व्हाइट और ब्लैक दोनों राइनोज का रंग ग्रे होता है, पर दोनों के बीच कुछ फर्क होते हैं, जैसे दोनों का साइज। व्हाइट राइनो तकरीबन 1 टन भारी होता है। व्हाइट नाम अफ्रीकन शब्द वेट का मिसट्रांसलेशन है, वेट यानी चौड़ा, जो उसके चौड़े मजल को कहा जाता था। और यही वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से व्हाइट राइनो सवाना में उगने वाली अपनी फेवरेट शॉर्ट ग्रासेस खा सकता है। पर ग्रासेस में टिक्स छिपी होती हैं, जो कई अजीब सी जगहों में घुस जाती हैं। लकीली ऑक्सपेकर्स अपनी क्लीनिंग सर्विसेज लेकर हर वक्त इनके आसपास हाजिर रहते हैं। ऑक्सपेकर्स टिक्स खाते हैं और इस तरह इस डील से दोनों पार्टीज का फायदा होता है। व्हाइट राइनोज दुनिया के अकेले प्योरली ग्रेजिंग राइनो स्पीशीज हैं। ये मुमकिन है कि 2 टन वजन वाले ये एनिमल शायद आज तक के सबसे बड़े प्योर ग्रेजर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि व्हाइट राइनोज अपने इलाके में रहना पसंद करते हैं, और क्योंकि वो विशाल ग्रुप नहीं बनाते, ऐसा लगता है कि वो मिलना जुलना भी कम पसंद करते हैं। पर फीमेल्स कभी कभार ही अकेली दिखती हैं और कभी कभी 6 फीमेल्स तक के ग्रुप में इकट्ठा होती हैं, जैसे ये ग्रुप जिसमें 2 फीमेल्स हैं जो एक दूसरे की रिलेटिव हैं और एक सब अडल्ट काफ है। राइनो फीमेल्स मेल्स के इलाके से गुजरती हैं और अभी अभी एक ऐसा मेल इनकी तरफ बढ़ रहा है जो इस इलाके को कंट्रोल करता है। अडल्ट बुल्स अकेले रहना पसंद करते हैं। इनके इलाके कुछ स्क्वायर किलोमीटर चौड़े होते हैं और ये बुल अपने विजिटर्स को करीब से जानने के लिए बेताब है। पर फीमेल्स को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वो धीरे से उसके इलाके से चली जाती हैं।
राइनो बुल्स के लिए तो बात कुछ नहीं बनी, पर बिग फाइव का एक और मेंबर दिल ठोक कर अपने इरादे जाहिर कर रहा है। बड़े मेल एलिफेंट का वजन तकरीबन 5 टन होता है, इसलिए ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट लैंड एनिमल कहलाते हैं। ये व्हाइट राइनो से 2.5 गुना बड़े होते हैं। ये मेल बहुत गुस्से में है। इसके आंसू गिराते टेम्पोरल ग्लैंड्स और बार बार यूरिन करना संकेत है कि ये मस्त नाम की कंडीशन से गुजर रहा है। 25 साल के होने के बाद से एकदम से मेल्स में मस्त दिखाई देने लगता है। इसमें मेल्स के टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो मेल्स मस्त से गुजर रहे होते हैं वो लड़ाई में ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं और दूसरे एनिमल उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, तो वो बस मेटिंग करने के लिए फीमेल्स को ढूंढते रहते हैं। हालांकि फीमेल्स आकार में मेल्स से छोटी होती हैं, पर ग्रुप की मूवमेंट उनके मुताबिक ही होती है। ग्रुप की लीडर फीमेल ही होती है और ग्रुप के मेंबर्स ऐसे मेल्स और फीमेल्स होती हैं जो करीबी रिलेटिव होते हैं और उनके आपसी रिलेशन बहुत गहरे होते हैं। एलिफेंट का कामकाज का वक्त लायंस से उल्टा होता है। ये दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं। ये विशाल ग्रुप खाने और पानी की तलाश में लगातार आगे बढ़ रहा है। लगातार आगे बढ़ते रहने से बच्चे थक कर चूर हो जाते हैं। इस न्यू बॉर्न एलिफेंट का वजन अभी से 100 किलो है और अब तो इस बच्चे से एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा। एलिफेंट्स की जिंदगी में सबसे मजबूत रिश्ता माँ और उसके बच्चे का होता है और इस माँ को अपने बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है और ये फिक्र जायज भी है। गर्मी में इसके शरीर का पानी कम हो गया है और इसे आराम करने की जरूरत है। एक और यंग एलिफेंट को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सारे मेल्स की तरह जवान होते ही इसे भी ग्रुप से निकाल दिया गया था। कभी कभी यंग बुल्स बैचलर ग्रुप भी बना लेते हैं, बिल्कुल इन दोनों की तरह। उम्र में बड़े मेल का एक दांत टूटा हुआ है, जो सबूत है कि ये अपनी जिंदगी में कई बैटल्स का हिस्सा रह चुका है। ये दोनों अपना फेवरेट खाना खाने की फिराक में है, जो है कैमल थॉर्न पेड़ के न्यूट्रिशियस फल। पर फल इतनी ऊंचाई पर लगे हैं कि उन्हें तोड़ना काफी मुश्किल है, पर एक मेल जानता है कि फलों को नीचे कैसे लाना है। ट्रंक से उठाकर उन्हें झट से मुंह में डालने में भी ये माहिर है। क्या आप यकीन करेंगे कि एलिफेंट के ट्रंक में 50,000 मसल्स होती हैं? ट्रंक बहुत ताकतवर होती है और बहुत सारे काम कर सकती है, और शायद यही वजह है कि सारे हर्बीवोर्स में
एलिफेंट ही पौधों की सबसे ज्यादा वैरायटी खाता है। खाते वक्त ये मेल स्केप ग्लॉसी स्टालिंग का भी फायदा करवाता है। एलिफेंट जिन पौधों को खाता है उसमें बैठे इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं और सही मौका देखते ही ये बर्ड उन्हें चट कर जाता है। ट्रंक के साथ ताकत और अक्ल इस्तेमाल करके हाथी अफ्रीका के कुछ सबसे मुश्किल इलाकों में भी रह सकते हैं। जबकि बिग फाइव का सबसे विशाल मेंबर बहुत ही सोशल लाइफ जीता है, वहीं सबसे छोटा मेंबर उससे बिल्कुल उल्टा है। लेपर्ड छिप कर रहना पसंद करता है। अफ्रीका की बिग कैट्स में अकेला रहना सबसे ज्यादा इन्हें पसंद है। लेपर्ड्स कई तरह के इलाकों में रह सकते हैं और प्लैनेट पर यही सबसे ज्यादा जगहों पर पाए जाते हैं। नदी के किनारे फैली घनी घास इन्हें आसानी से छिपा लेती है, जो इन हंटर्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये छिप कर वार करते हैं। दबे कदम आगे बढ़ने से ये बड़े कंपेटिटर्स की नजर से भी बच जाते हैं, ये इनकी कामयाबी की एक और वजह है। क्योंकि ये ऐसे किसी भी इलाके में रह लेते हैं जिसमें इन्हें छिपने की काफी जगह मिल जाती है, लेपर्ड्स प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी। इंसानों के टॉर्चर से बच पाने की और अपने माहौल के आदि हो जाने की एबिलिटी से ये अफ्रीका के अलावा एशिया के भी कई इलाकों में पाए जाते हैं। ये फीमेल 25 स्क्वायर किलोमीटर के अपने एरिया में पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जी रही है। ये शिकार के लिए बेहतरीन इलाका है और इसने सालों से इस इलाके को दूसरी फीमेल से बचाए रखा है। मेल्स को आने की इजाजत है पर सिर्फ कुछ देर के लिए, वो भी मेटिंग के लिए। अकेली जिंदगी में यही कुछ एक पल है जब कोई इसके साथ होता है। सारी फीमेल्स की तरह ये भी मेल से थोड़ी छोटी है, पर इसका शरीर बहुत मजबूत है और ये एक जबरदस्त हंटर है। लेपर्ड्स छिप कर वार करने में माहिर होते हैं। ये दबे पांव इम्पाला के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और उसे भनक तक नहीं लगती। फिर एकदम से वार करके सांस की नली दबाकर उसका काम तमाम कर देते हैं। लायन और हाइना जैसे बड़े प्रेडेटर्स की वजह से लेपर्ड अपने शिकार को खींचकर पेड़ पर टांग देते हैं ताकि कोई और उसे छीन ना सके। यहां उसका शिकार नीचे से काफी सेफ है और ये सुकून से खा सकती है, पर पहले इसे खाने की तैयारी करनी होगी और ऐसा वो शिकार के फर को अपने आगे के दांत से नोच नोच कर निकाल कर करती है। फिर ये अपने पावरफुल जॉज और लार्ज केनाइंस का इस्तेमाल करके मांस को नोचती है। ऊपर वल्चर्स मंडरा रहे हैं, ये जानते हैं कि इनका वक्त भी आने वाला है। शिकार से ना सिर्फ इसे खाना मिलेगा बल्कि इसकी पानी की जरूरत भी शिकार के खून से पूरी हो जाती है।
इसका मतलब लेपर्ड्स काफी लंबे वक्त तक पानी के बिना रह सकते हैं। पर एलिफेंट्स को पानी की जरूरत पड़ती रहती है। और ये बच्चा बिल्कुल सही वक्त पर पानी के पास पहुंचा है। बड़े एलिफेंट्स के मुकाबले बेबी एलिफेंट्स को डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा रहता है। एलिफेंट्स पानी का इस्तेमाल सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही नहीं करते, इन्हें नहाना भी बहुत पसंद है और ये एलिफेंट्स के लिए बहुत जरूरी भी है। इनके विशाल शरीर में 5 किलोवाट मेटाबॉलिक हीट बनती है, इतनी हीट जिससे कोई माइक्रोवेव 5 घंटों तक चलाया जा सकता है। और सवाना पर गर्मी भरा दिन बिताने के बाद नहाने से शरीर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता। अब सबकी प्यास बुझ गई है, अब पूरा ग्रुप रिलैक्स कर सकता है और कुछ वक्त अपनी देखभाल करने में गुजार सकता है। नदी के किनारे से रब करके एलिफेंट्स के शरीर से चिपके इंसेक्ट्स निकल जाते हैं और एलिफेंट क्लीन और हेल्दी रहते हैं। एलिफेंट्स की जिंदगी के लिए पानी बहुत जरूरी है, और इनके लिए ही क्या, बिग 5 के बाकी मेंबर्स और यहां रहने वाले सारे एनिमल्स के लिए भी पानी उतना ही जरूरी है। बफलोज ग्रुप बनाकर यहां आते हैं ताकि किनारे पर खड़े होकर पानी पी सकें। राइनो भी दिन भर की प्यास बुझाने यहीं आते हैं। लायंस भी पानी पी रहे हैं, पर ये छिप कर पीना पसंद करते हैं। किसी नदी या लेक से दूर एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम है, वाटर बॉडी के शोर शराबे से दूर ये वाटर होल से पानी पीना पसंद करते हैं। अफ्रीका के ग्रेट सवाना इकोसिस्टम में सभी फेमस बिग 5 किसी ना किसी तरह से पानी पर डिपेंड करते हैं। बिग 5 के हर मेंबर में कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर है, चाहे वो उनका साइज हो, स्ट्रेंथ हो या सोशल बिहेवियर। इन कैरिस्मेटिक एनिमल्स का अपना अलग ही अंदाज है। अपनी आर्मर जैसी स्किन और लैंस जैसे हॉर्न के साथ अकेला रहने वाला ये विशाल राइनो, दबे पांव चलकर छिपकर हमला करने वाला ये लेपर्ड, बड़े ग्रुप में रहने वाले बफलोज जो सैकड़ों के ग्रुप बनाकर झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं, फेरोशियस लायंस जो अपनी स्ट्रेंथ और कोऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं, और इनॉर्मस सोशल और स्ट्रॉन्ग एलिफेंट। अफ्रीकन सवाना पर जिंदा रहने के लिए सारे एनिमल्स अपनी खासियतों पर डिपेंड करते हैं, और यही वो एनिमल्स हैं जो दुनिया भर में अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं।